नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी, चुनाव समिति के प्रभारी ओम माथुर और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। पंकजा मुंडे और कोर ग्रुप के दूसरे नेता भी बैठक में मौजूद हैं। आज संभवतः इस बात पर फैसला हो जाएगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं। वैसे शिवसेना का रुख कल से थोड़ा नरम पड़ा है। शिवसेना ने कहा है कि वो निराश नहीं है और नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, लेकिन इंतजार करना होगा कि फैसला निकलकर दरअसल आता क्या है। क्योंकि आपको बता दें, शिवसेना की तरफ से जो ऑफर दिया गया था बीजेपी को, जो फॉर्मूला था वो ये था कि 119 सीटों पर बीजेपी लड़े 288 सीटों में से, और वो भी 119 सीटों में जो गठबंधन के बाकी दूसरे दल हैं, शिवसेना चाह रही थी कि वो भी उसमें शामिल हो जाए। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है बैठक से, अंदर से अगर आपको कोई जानकारी मालूम हो पा रही हो तो वो बताएं। और दूसरी बड़ी बात कि शिवसेना थोड़ी नरम यहां पर लग रही है कल के मुकाबले आज, क्या गठबंधन जो टूटने के कगार पे लग रहा था वो नहीं टूटेगा या फिर क्या कुछ हो सकता है संभावनाएं? गठबंधन टूटेगा या नहीं श्वेता, ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का रुख बीजेपी ने अख्तियार किया है पिछले कुछ दिनों से, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का ये कहना, मीटिंग में जाने से पहले कुछ नेताओं से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका ये कहना था कि इस बार कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी को नहीं करना है, क्योंकि इस बार बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो बीजेपी के लिए आगे जाकर ये ठीक नहीं होगा, बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ी है। दूसरी तरफ शिवसेना का भी यही रवैया है, कुछ शिवसेना नेता ये कहते हैं कि अगर इस बार बीजेपी की मांग को मान लिया गया, शिवसेना कहीं ना कहीं दब जाएगी। अगर शिवसेना का ये अप्रोच रहा तो आगे चलकर शिवसेना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और बीजेपी आगे चलकर शिवसेना पर हावी होती रहेगी। यही एक मसला है जिस पर सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। भाजपा के नेता अभी अंदर बैठक कर रहे हैं, जिसमें राज्य के कोर कमेटी के साथ ही ओम माथुर जो चुनावी इंचार्ज है और राजीव प्रताप रूढ़ी जो महाराष्ट्र के प्रभारी है, इस बैठक में है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं का कहना साफ है, इस बार एक्सेप्ट नहीं करना है, ज्यादा सीटों की मांग को हमें पकड़े रहना है, अगर नहीं भी होता है तो आगे चलकर क्या करना है इसकी रणनीति तय की जाएगी। हालांकि गठबंधन टूटेगा या नहीं अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन गठबंधन रहेगा भी या नहीं इस पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान इस वक्त इस बैठक में चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि कमलेश, इंतजार के अलावा अभी फिलहाल कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इंतजार करना होगा, 25 साल पुराना गठबंधन है।